ये मारामारी थी वो अभी नहीं है, हमारी स्थिति बहुत सुधर गई है, अभी हम स्टेबल हैं। ड्रग्स के लिए जो पहले दिक्कतें थी वो दिक्कतें अब नहीं है, नाउ वी आर स्टेबल। शहरी जो हिस्सा है अर्बन सेक्टर वो बिल्कुल कंट्रोल में है, 22-25% पॉजिटिविटी से हम 12-13 पर आ गए हैं। हमारा डेथ रेट जो था, जो सेकेंड वेव की पीक थी उसके मुकाबले आज हम उससे 50% नीचे आ गए हैं। इसके बाद हमारे गांवों में केसेज रिपोर्ट होना शुरू हुए थे, जो हमने अप्रैल के तीसरे सप्ताह में वहां पे ध्यान केंद्रित कर दिया था और हमने टीमें दौड़ा दी थी। तीन तरह की अलग अलग एजेंसीज से हमने मैपिंग करवा दी है और गांवों के अंदर हमने कंटेनमेंट जोन्स बना दिए हैं, जहां जहां बड़े गांव में जहां केसेज से ज्यादा आए। अभी हम हॉटस्पॉट चिन्हित कर रहे हैं, जिसके लिए दो पैमाने अपना रहे हैं हम, पॉजिटिव केसेस, नंबर ऑफ फेटेलिटी, इसके आधार पर हॉटस्पॉट बनेंगे। और हर गांव के अंदर अब एक फील्ड टीम और एक हेडक्वार्टर टीम, ये दो टीम्स बैठेंगी ग्राउंड के ऊपर और टोटल 100% मैपिंग करके वहां पे सुविधाएं, जैसे ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर है, नेबुलाइजर है, स्टीमर है, पल्स ऑक्सीमीटर है और दवाओं की किट, ये सारी चीज ग्राउंड पे रहेगी। कल भी हमने जो रूटीन में जो आपके 2155 या 2200 के आसपास जो होम आइसोलेटेड पेशेंट्स हैं जिनको किट्स रूटीन में जा रही हैं, उसके अलावा जो डेली गांव में रैड हम टेस्ट कर रहे हैं रैपिड एंटीजन का, उसकी पॉजिटिविटी के लिए हमें 2000 किट्स कल एसडीएम के मार्फत पंपिंग कर दी है और ये प्रक्रिया वन टाइम नहीं थी, ये सतत निरंतर अब जारी रहेगी। तो हमारा ध्यान अब रूरल सेक्टर पे फोकस, ध्यान पहले भी था बट अभी चूंकि शहरी वातावरण काबू में है, कंट्रोल में है, अभी फोकस रूरल सेक्टर पे रहेगा। इसी कड़ी में यहां पे हमने व्हाट्सएप ग्रुप सभी सरपंचों के साथ बना दिए हैं, हमने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और सिविल सोसाइटी कोऑर्डिनेशन ग्रुप हमने बना लिए हैं। आईसी एक्टिविटीज के ऊपर जोर है, गांव के लोगों को जिनको सिम्टम्स हैं या पॉजिटिव उनको गांव के अंदर ही आइसोलेट किया जाए, जैसे कोई स्कूल है, चौपाल है, आश्रम है, वृद्धाश्रम, ऐसी जगहों पर आइसोलेशन सेंटर गांव के अंदर ही बनाएंगे ताकि उनको अजनबीपन ना लगे, एकाकीपन ना लगे, घर का माहौल लगे और घर का खाना उनको उपलब्ध हो जाए और घर से वो दूर रहे, इस प्रकार से वो बीमारी फैलेगी नहीं। उसको जो भी ट्रीटमेंट की दवाई की आवश्यकता होगी वो फौरी इलाज वहीं पर होगा, उससे ऊपर अपग्रेडेशन की आवश्यकता होगी उसको सीएचसी में ले आएंगे। सीएचसी में हमारे बेड्स भी हैं, ऑक्सीजन भी हैं, एम्बुलेंसेज भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, उससे आगे नौबत आएगी तो फिर वो जिले को रेफर हो जाएगा। हमने एक आध अस्पताल में और ऑक्सीजन का प्लांट छोटा जो अस्पताल को केटर कर सके वो शुरू करवाया है, ऑक्सीजन का एक प्लांट हम और लाने की चेष्टा कर रहे हैं सीएसआर के मार्फत, दानी सज्जन हमारे संपर्क में, उन्होंने हाँ करी है। आपकी बहुत सी संस्थाओं ने 40-50 के करीब ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर ऑलरेडी वो दे दिए हैं शहर को, अलग अलग संस्थाओं के मार्फत, अलग अलग जगहों में, अलग अलग कोविड केयर सेंटर्स में, जैसे आप जनसेवा संस्थान में काफी सारे आ गए हैं और सेंटर्स में रखे हुए, आपके सिविल हॉस्पिटल में आ गए हैं। हाँ, तो इस प्रकार से ये चीजें अब निरंतर आती जा रही हैं। तो ऑक्सीजन की अभी एनएचएआई के मार्फत ऑक्सीजन का एक प्लांट लगाने की तैयारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है जो 267 जिलों में देश में लगाएंगे, उसका प्लेटफॉर्म हमारा सिविल हॉस्पिटल में बन गया है, उस पर काम चल रहा था। तो इस दिशा में सारे प्रयास जारी है। ड्रग्स की सिचुएशन, ऑक्सीजन की सिचुएशन बिल्कुल कंट्रोल में, स्टेबल है, हमारी जो आंकड़े हैं स्टेबल है, कंट्रोल में है। रूरल सेक्टर पे हमने ध्यान दे दिया, उसको हम फैलने नहीं देंगे और जो भी वैल्यू एडिशन हो सकता है वो वैल्यू एडिशन अभी हम कर रहे हैं। सीएसआर के लिए हमने टीम बना दी, दौड़ रही है और अगली बार जब हम मिलेंगे 2-4 दिन में तो आपको और कुछ पॉजिटिव और अच्छी कंक्रीट चीजें बताएंगे। सर, ब्लैक